हेलो गाइस, वेलकम टू गो ट्रैवल ब्लॉगर। और आज हम लोग जा रहे हैं लाल जल केव दुर्गा मंदिर, जो बेल पहाड़ी पे ही है। अभी हम लोग कलाईकुंडा में खड़े हैं और ये हाईवे NH6। तो मेरे साथ आज फिर से मेरा दोस्त, मेरा बंधु, मेरा यार, हाय फ्रेंड्स, सुशील। और आज हम दोनों जा रहे हैं लाल जल केव दुर्गा मंदिर। सो आगे देखते हैं और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। गाइस, हम लोग बेल पहाड़ी से 28 किलोमीटर है इस तरफ से आए हैं, जा रहा इस तरफ है। और ये पूरा बेल पहाड़ी का जंगल है, देख रहे हो आप पीछे पूरा। दोस्तों, ये खंदर रानी लेक जाने के लिए रास्ता है और इसका लिंक हम लोग आई बटन में दे देंगे। दोस्तों, अभी हम लोग 3 किलोमीटर पीछे है लाल जल केव से और ये रास्ता देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ऐसे पहाड़ी से ऐसे ऊपर जाते हुए। आपको दिखाता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं लाल जल केव। हम लोग इस तरफ से आए हैं SH5 से। आपको आके राइट टर्न लेना पड़ेगा जब आप उस तरफ से आते हो SH5, वहां से राइट टर्न लेके ये कच्ची सड़क आ रही है। ये कच्ची सड़क जा रही है सीधा लाल जल केव तक, जिसको टाइगर केव भी बोलते हैं। वहाँ एक दुर्गा माता का मंदिर है और ये जब पूरा कच्चा सड़क है, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से अभी भी लगभग 1 किलोमीटर है। तो हम लोग जा रहे हैं और आज हमारे साथ TVS XL नहीं है, आज हमारे साथ Activa 125 है। और ये बंधु मेरे साथ ही रहता है, इज़ माय लव ऑफ लाइफ। ओके, गाइस ये है लाल जल केव। यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, यहाँ से। तो चलिए चलते हैं। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं लाल जल केव। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, हम दिखाते हैं ऊपर चढ़ के आपको, फिर ऊपर से और ऊपर दिखाएंगे।
बने रहिए हमारे साथ। और आपको चढ़ाई दिखाने के लिए मेरा बंधु सुशील, मेरा मित्र, वो आगे आगे चल के दिखा रहा है। हम हमेशा ट्रैकिंग पे चले जाते हैं, ऊंचाइयों पे, काफ़ी ऊंचाइयों पे। सुशील क्या हाल चाल है? सुशील ऊपर से दुनिया कैसी लग रही है? बहुत ही सुंदर और लाजवाब। वाह वाह, चलते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान से चलना। दोस्तों हम लोग लाल जल केव आ गए हैं। ये पीछे दुर्गा माता का मंदिर है। जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं ना लाल जल केव, तो वहाँ ब्रैकेट पे दुर्गा मंदिर आता है, तो ये वही दुर्गा मंदिर है। ये सुशील है, ये पीछे वाला, ये दुर्गा मंदिर है। और इससे ऊपर की तरफ जाने से वो टाइगर केव, वो गुफा आपको मिलेगा। मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, जाता हूँ, थक गया हूँ थोड़ा, बहुत ऊँचाई पर आया हूँ। ये नीचे और है, नीचे और थोड़ा सा गहरा है, तो देखते हैं। यहाँ पे है केव, लाल जल केव। मैं केव आपको दिखाता हूँ, बहुत ही गहरा जगह ये है केव। यही है लाल जल केव एट आवर डेस्टिनेशन। कहते हैं कभी यहाँ पर टाइगर आके रहता था, इसी को ही कहते हैं, टाइगर केव भी इसको कहते हैं। यही है वो लाल जल केव, टाइगर केव जो भी है। चलो ठीक है गाइस, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू। तो दोस्तों यही है लाल जल केव, उसका ये चढ़ना पड़ता है ऐसे ऊपर, और बस पहाड़ों का ट्रैकिंग ही है यहाँ पे। और इससे या और कुछ इतना है नहीं, बस यही ट्रैकिंग ही है। आने से बस इन चट्टानों पे चढ़ सकते हो, जैसे मैं अभी चढ़ रहा हूँ। ये बिल्कुल टॉप का हिस्सा है। ये बिल्कुल टॉप का हिस्सा है, तो टॉप पे है हम लोग। और ये मेरे पीछे व्यू, पहाड़ और कुछ नहीं।
पीछे लाल जल केव है, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, केव ऊपर है और दुर्गा माता का मंदिर है। और हम लोग अभी देखने जा रहे हैं ये पीछे पहाड़ नज़ारा देखने के लिए जा रहे हैं। गांव में आए हैं तो घूमेंगे ज़रूर, गुड़ भी खाएंगे, गुड़ देखने जा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, हम गुड़ देखने जा रहे हैं, गुड़ बनाते हैं। ये खजूर का पेड़ है ना ऊपर, ये देखिए इससे गुड़ बनाया जा रहा है, हम वहीं जा रहे हैं। খেজুর গুড় কত করে বিক্রি করছেন কি? কত করে? ₹80। গুড় এক কেজি আছে। রাশি কোনটা? ये नहीं पाटाली छोटो पाटाली। तो आपने अभी देखा गुड़ कैसे बनाया जाता है। जब भी आए लाल जल केव तो ऐसे अगर आपको दिखे तो आप प्लीज़ यहाँ से खरीदे ज़रूर, खरीदना बहुत ज़रूरी है। ₹80 किलो गुड़ है खजूर का। और आइए घूमिए, नेचर वेचर का मज़ा लीजिए। नाम याद रखिए लाल जल केव, ठीक है, मैप पे सर्च कीजिए और सीधा पहुंच जाइए। रास्ता झाड़ग्राम होकर के भी आ सकते हो, ओनली 120 किलोमीटर्स फ्रॉम खड़गपुर एंड वाया SH5। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर जितना हो सके कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम मोटी मोटी बातें करें और मोटी मोटी जगह जाएं। सो गाइस प्लीज़ नए नए वीडियो लाएंगे, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। हाय गाइस, अभी हम लोग कांकड़ा झोड़ डैम जा रहे हैं। मैप पे दिखा रहा था कांकड़ा झोड़ डैम, तो ये आपका वो लाल जल केव से 21 किलोमीटर से हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। तो दिखाते हैं क्या है कांकड़ा झोड़ में, सो हमारे साथ बने रहिए, लेट्स गो। हाय गाइस, हम लोग काकड़ा झोड़ से अभी 5 किलोमीटर दूर है और ऊपर घाटशिला लिखा हुआ है। घाटशिला झारखंड पे पड़ता है, वो 30 किलोमीटर है यहाँ से, और काकड़ा झोड़ ये 5 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस तरफ, अभी बज रहे हैं टाइम 3, अभी 3 बज रहे हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर है। सो मूव ऑन दोस्तों, हम लोग झारखंड तक आ गए हैं। झारखंड सरकार, हम लोग झारखंड घुस गए हैं, लेकिन कांकड़ा झोड़ में कुछ नहीं मिला, डैम भी अभी तक नहीं मिल रहा है और मैप भी रीराउट कर रहा है बार बार। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है और वहाँ पर हाथी का कुछ बोर्ड लगा हुआ है कि हाथी अगर आते हो तो कैसे उससे बचा जा सकता, उसे बचो और सम्मान करो। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, हम लोग झारखंड तक घुस गए हैं। मुझे लगता है रिटर्न जाना पड़ेगा। खैर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।